सो गाइज आई एम रेडी और अभी जाने का टाइम हो गया है, सब लोग आ चुके हैं तो चलते हैं और आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज आज है मेरे देवर और देवरानी की पहली शादी की सालगिरह, तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। सो चलो इट्स अ इमोशनल टाइम बट साथ साथ हैप्पीनेस भी है, सो चलो एंजॉय करते हैं एंड लेट्स गो। हाय गाइस, सो सबसे पहले हम गए काल भैरव के मंदिर। काल भैरव मंदिर ऐसा है जिसे कहा जाता है कि बनारस की कोतवाल है वो काशी के। अब जब भी बनारस आइए आपको काल भैरव के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी बिकॉज ये गली में जा कर के है मंदिर और स्पेशली संडे बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे और अब हम जा रहे हैं विश्वनाथ जी दर्शन करने और उनके लिए हम ले रहे हैं रिक्शा, साइकिल रिक्शा। सो गाइस सबसे पहले हमने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए एंड उसके बाद हम गए विश्वनाथ जी और जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए इजीली हम आधे घंटे में हमें दर्शन मिल गया अच्छे से। सो वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम दशाश्वमेध घाट पर आए जहाँ पर कि आरती ख़त्म हो चुकी थी। सो आरती ख़त्म हो चुकी थी तो हमने कहा चलो फिर भी हम बोटिंग कर लेते हैं और टेंट सिटी हम नहीं देख पाए बिकॉज़ वो राजघाट पर होती है और शाम के टाइम पे वहाँ पर बोट नहीं जाती है। अगर आप दिन के टाइम में बोटिंग करते हो तो वो आपको जो नया घाट बना है राजघाट जहाँ पर कि आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी करने और देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ वहाँ पर टेंट सिटी बनाई गई है तो वो सारे नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में और रात के समय में भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो हमने दूर से देखा उसको बिकॉज़ नाइट के टाइम पर वहाँ पर बोटिंग अलाउ नहीं थी इसलिए वो उधर नहीं जाते वो वाला घाट दिखाने में। बाकी सारे जितने पास में घाट हैं वो सब दिखाते हैं आपको। दशाश्वमेध घाट से लेकर के पूरा असी घाट तक घुमाएंगे एंड वो वाला घाट भी आपको दूर से देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और सारी जो वहाँ के लोकल बोटमैन रहते हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि चीज़ बताते हैं। गौरी केदारेश्वर घाट, तुलसी घाट, शिवाला घाट, बहुत सारे घाट हैं आपको। अब जब भी जाओ बनारस अगर आप बोटिंग करोगे तो आपको डिटेल सारा कुछ वहाँ का हिस्ट्री जानने को मिलेगा। भूख लगा है लोग को। अच्छा अच्छा पका लो। Thank you.
बस बाबा कैसा है मिखाने में कैसा है छोटो? वैसे नेपाली भैया बनाए हैं, बढ़िया ही होगा। गाइस मोमोज खाने के बाद फिर हमने पानी पूरी खाई एंड देन उसके बाद हमने डिनर किया एंड उसके बाद हम फिर घर आ गए वापस। और फाइनली वेलकम टू प्रयागराज एंड बाय बाय बनारस। सो गाइज आई होप यू ऑल रियली एंजॉयड दिस व्लॉग एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ दावत रेस्टोरेंट जहाँ की फूड क्वालिटी एवरेज थी, बहुत अच्छी नहीं लगी। एंड इसके बाद हम घर आकर के फिर हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। सो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।